उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत व देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ कुंजापुरी मंदिर पहुंचे। ये मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध 51 सिद्धपीठों में से एक है। ऐसे में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर पूजा अर्चना कर राज्य को बेहतर नेतृत्व, प्रदेश के विकास और सबकी उन्नति के बारे में कामना की। माँ कुंजा के दर्शन के लिए आया था, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया था और माँ कुंजा से यही प्रार्थना की है कि माँ इस राज्य को अच्छा नेतृत्व दो, अच्छा जो राज्य के बारे में सोचें, पूरे प्रदेश के बारे में सोचें, सब लोगों के बारे में सोचें, ऐसी माँ कुंजा से प्रार्थना की है। वहीं पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी में जुटे पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि 2007 से पार्टी की मजबूती के लिए निरंतर वो काम कर रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि पार्टी इस बार टिकट देकर उन पर भरोसा जताएगी। हम लोग यही आशीर्वाद लेने आए हैं कि जो है माँ का आशीर्वाद जो है हमेशा जो है हम पर बने रहे, हमारी पूरी विधानसभा पर जो है बनी रहे। और आपको मैं विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि हम लोग जनता के आदमी हैं। मेरे साथ पूरी, मैं जनता पार्टी का आदमी हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी लिखना है तो मेरे को टिकट दो, नहीं तो जनता पार्टी तो जिंदाबाद है ही है। पूरा जो है मैदान जो है सजा हुआ है, पूरी हमारी सेनाएं बिल्कुल तैनात हैं। बस अब चुनाव का जो है ये निर्वाचन आयोग जो है बिगुल जो है जिस दिन बजा देगा, हम हमारे रणबांकुरे जो है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथों को जो है मजबूत करते हुए जो है सफलता की ओर आगे बढ़े। टिकट नहीं मिलेगा तो भी लड़ेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं तो जनता का आदमी हूँ, मेरे को ऐसे पूर्ण विश्वास है, 100% भारतीय जनता पार्टी जो है हम पे विश्वास रखेगी और हमको टिकट देगी। लेकिन 1% अगर कहीं पे ऊंच नीच होगे तो जनता जिंदाबाद है। हम तो जनता पार्टी का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी को अगर जिताना है तो वो टिकट देंगे, नहीं तो जनता पार्टी तो जिंदाबाद है ही है। पूरे सब लोग हमारे साथ हैं, जीतेंगे पक्का पक्का 1001%। संवाद 365 के लिए वाचस्पति रियाल की रिपोर्ट।